सीवे टीवी की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। खबर यूपी के भदोही जिले से है, जहां बंगाल से 11 सदस्यों की टीम जमात के लिए आई थी। यह सभी 23 फरवरी को बंगाल से चले थे और कोलकाता से 27 फरवरी को दिल्ली पहुंचे। जमात में शामिल होने पहुंचे यह 11 सदस्यों की टीम पहले दिल्ली के निजामुद्दीन पहुंची मरकज में, उसके बाद यह सभी भदोही के काजीपुर स्थित मरकज आ गए। जमात में इतनी बड़ी संख्या में आए लोगों को काजीपुर स्थित मरकज कमेटी में जो है 12x15 के एक कमरे में जो है बैठाया गया था। वहीं में ये रह रहे थे, सो रहे थे, खा रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जो है ये सामने खुल कर आई है कि इंतजामिया कमेटी द्वारा जो है इसकी सूचना जिला प्रशासन को नहीं दी गई। भला खुफिया विभाग का कि इनका जो है पता लगाया और आज इन्हें जो है महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में स्क्रीनिंग के लिए लाया गया है। बता दें कि इसी बीच संपूर्ण भारत को लॉकडाउन कर दिया गया। जमात में शामिल होने आए 11 सदस्यों की टीम काजीपुर मरकज के एक छोटे से कमरे में रहते थे। सेल्फ डिफेंस का भी ख्याल नहीं रखा गया और न ही मरकज कमेटी द्वारा जिला प्रशासन को सूचना दी गई, जबकि भदोही जिला प्रशासन द्वारा यह कहा गया था कि जो भी बाहर से आए हैं उनकी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। इस आदेश के बाद खुफिया विभाग सहित जिला प्रशासन बराबर नजर बनाए हुए था। आज सभी 11 लोगों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में लाकर जांच कराया गया है। इस सूचना से भदोही जिले में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले में मरकज की इंतजामिया कमेटी की लापरवाही खुलकर सामने आई है। 11 सदस्यों की यह टीम बंगाल से जो है 27 फरवरी को दिल्ली पहुंची और वहाँ से ये मरकज निजामुद्दीन में शामिल हुए और फिर उसके बाद सीधे ये भदोही चले आए। सबसे बड़ी लापरवाही इसमें ये नज़र आ रही है कि ये सभी जो है टूरिस्ट वीज़ा से बंगाल से दिल्ली पहुँचे और फिर उसके बाद जो है वहाँ से सीधे ये भदोही पहुँचे, जहाँ जौनपुर में ये किसी ट्रेन से पहुँचे हुए हैं और इंतजामिया कमेटी मरकज काजीपुर भदोही द्वारा इन्हें एक 3 निजी वाहन से ले आया गया भदोही। और सबसे बड़ी लापरवाही ये इंतजामिया कमेटी की ये रही कि सभी को जो है एक साथ रखा गया था, कोई वहाँ फासला नहीं था, सब एक मामूली से कमरे में सभी लोग सोए हुए थे और जिला प्रशासन सहित खुफिया विभाग इस पर नज़र बनाए हुए था, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया था कि जो भी विदेश से आए उसकी सूचना जिला प्रशासन को दे, लेकिन ये 27 फरवरी के बाद से यहाँ जो है आए हुए थे, लेकिन इनके द्वारा इंतजामिया कमेटी द्वारा जो है कोई सूचना जो है जिला प्रशासन को नहीं दी गई। इनके 11 कमेटी के जो है ये आए हुए हैं, इनसे पूरे ज़िले में हड़कंप मच गया है।